है एवरी वन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, सुबह के हो रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन। तो सुबह के 6 बजे से ही हमारी ड्यूटी बोलो या काम बोलो, वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी मैं गर्म कर रही हूँ, गर्म नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा सुसुम कर रही हूँ बोलूँगी, हल्का जो गर्म रहता है तो वो थोड़ा सा कर रही हूँ। उसे एक गिलास पहले पी लूँगी, उसके बाद फिर सारे काम स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि अब आदत बन चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था कि पानी पीना है और फिर सारे काम स्टार्ट करने हैं, बट अब इधर आदत हो गई है कुछ टाइम से कि उठते के साथ पहले एक गिलास पानी लेना है, उसके बाद फिर सारे काम स्टार्ट करने हैं। तो पानी जब मैं पीती हूँ, आराम से बैठ के पीती हूँ, तो वही मैंने एक गिलास पानी सबसे पहले पिया। और अब चलिए चलते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी करने। तो नाश्ता मैं आज क्या बनाऊँगी? तो आज बैंगन आलू मैंने निकाला है, तो आज आलू बैंगन की सब्जी बनेगी। तो बैंगन से याद आया, पिछले बार किन्नी ने कहा था जब मैंने बैंगन टमाटर की चटनी बनाया था, तो आपने कीड़े देखे कि नहीं देखे? तो जी, ऐसा नहीं है, मैं जब भी बनाती हूँ साग सब्जी कुछ भी तो अच्छे से पहले चेक कर लेती हूँ, क्योंकि खाने के मामले में हमें से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। खाना अगर वो बना रहे हैं तो पूरे अच्छे से चेक करके ही बनाएंगे, और स्पेशली अगर बच्चों के लिए बन रहा है कुछ तो उसमें तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए फटाफट बैंगन आलू कट कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी बनानी है और टाइम अब इतने जल्दी पार होते हैं, मतलब सुबह के जो ये 3-4 घंटे होते हैं ना, काफ़ी हैट्रिक वाले होते हैं, काफ़ी शेड्यूल बिजी हो जाता है, मतलब फुल एनर्जेटिक वाले, आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, एक के बाद सारे काम लगातार आपको करने हैं, क्योंकि आपने स्पेशली अगर सुबह के कामों के बीच ब्रेक लिया ना, तो फिर दोबारा उस काम को करने में बड़ा आलस लगता है, क्योंकि एक बार अगर आप बैठ गए फिर से उठ के फिर काम में लगना है तो खासकर ठंड के दिनों में काफ़ी कोड़ी लगता है, क्योंकि ठंड लगनी फिर स्टार्ट हो जाती है। आप लगातार करोगे तो आपको पता नहीं चलता है, काम आपके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बीच में बैठ गए उसके बाद फिर दोबारा वो काम फिर लेट होना ही है। मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह बच्चों बच्चों के जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग वटिटिंग जो मुझे करना रहता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चे निकल जाते हैं तो घर पूरा मेरा शांत हो जाता है, ये भी अपने ऑफिस चले जाते हैं तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई डिस्टर्बिंग नहीं, तो मैं आराम से अपना एडिटिंग वाला काम करती हूँ। तो थोड़ा देर बाद बीच में बैठ जाती हूँ ना, तो उसके बाद फिर जब उठ के काम करती हूँ तो फिर वो चीज़ लेट हो जाता है, तो इसलिए जो मॉर्निंग वाले काम है वो लगातार कर दो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आपके लिए अच्छा है, आपके घर के काम तो होने ही है, ऊपर से आप एक्स्ट्रा अपने पर्सनल काम भी कर सकते हो। तो इसीलिए सुबह वाले जो काम होते हैं, बहुत बार मैं ऐसा करती हूँ जल्दी उठती हूँ तो पहले फटाफट घर के काम सारे फिनिश कर देती हूँ, तो 9-10 बजे तक मेरे काम सारे घर के ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपना एडिटिंग करती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है तो फिर बीच में मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है और थोड़ा सा मुझे अपना यूट्यूब वाला काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं उठ के काम करती हूँ। क्योंकि देखिए, ये ऐसा काम है ना जो आप भीड़ भाड़ में हल्ला में वैसे में नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी शांति चाहिए होती है, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा शांति रहता है, मतलब घर में कोई नहीं रहते हैं तो मैं आराम से अपना काम निश्चिंत होकर कर सकती हूँ, उसकी वजह से मेरे अदर काम में मुझे लेट हो जाता है। तो चलिए, मैंने सब्जी उब्जी काट के बैठा दी थी, आटा उटा मैंने गूँथ लिया था, और उस बीच मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं आ गई थी अपना बेडरूम को थोड़ा सेट करने, क्योंकि काम के बीच में अगर आप थोड़ा सा बीच बीच में टाइम निकाल के आ जाओ ना, बीच बीच में घर के काम करने, तो आपके काम फटाफट होने वाले हैं, और अगर आप सोच के रहोगे कि पहले किचन ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर उधर लगेंगे तो फिर उसमें काफ़ी लेट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, क्योंकि प्रीत गया हुआ है बाथरूम नहाने के लिए, तो वो निकलेगा उसके बाद मुझे उसे नाश्ता लगाना है। तो सब्जी उब्जी मैंने बैठा दिया, आटा मैंने गूँथ लिया है, तो सब्जी कुकर में है तो वो फटाफट बन जाएगी, और पूरी बनानी है तो गर्मा गर्म पूरी वो निकलेगा तो बनाऊंगी। तो इसीलिए जब किचन के कामों के बीच थोड़ा थोड़ा भी टाइम मिल जाता है तो आके बेड उड सेट कर ली, सोफ़ा को थोड़ा मैंने झाड़ दिया, या कहीं कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ तो उसे अरेंज कर दिया, तो उससे क्या होता है कि बीच बीच में ये सब मैंने काम कर लिए तो ये सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद सिर्फ डस्टिंग थोड़ी बहुत बचती है और फिर झाड़ू पोछा, तो फिर इजीली आराम से हो जाता है, टाइम उसमें ज़्यादा जाता नहीं है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम है ना आपके, इसमें ज़्यादा टाइम जाता है, बेड अरेंज करना है, सोफ़ा झाड़ के उसे अच्छे से अरेंज करना है, कोई चीज़ कहीं बिखरी हुई है, कहीं कोई चीज़ गिरी हुई है उसे उठा के उसके अपनी जगह में रखना है, तो ये सब चीज़ जो छोटे छोटे काम होते हैं ना इसमें बहुत टाइम जाता है। तो थोड़ा बहुत समय का सदुपयोग करते हुए मैंने थोड़ा सा बेड उड सेट करके रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके मैं वापस किचन आ गई थी, क्योंकि किचन में काम अभी भी बाकी थे। चाय मैंने इधर बैठा दिया इंडक्शन में, और कुकर में सब्जी मेरी हो रही है, तो इधर मैंने पूरी तलना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रीत नहा के निकल गया है तो उसे सबसे पहले नाश्ता दे देते हैं, क्योंकि नाश्ता जब तक वो करते रहेगा उसी बीच में उसका लंच भी रेडी कर दूँगी।
तो टाइम पे मैंने नाश्ता बना के रेडी कर दिया था और प्रीत को मैंने लगा भी दिया था, और उसी बीच में आ गई थी उसका लंच रेडी करने। तो मेरे घर में क्या है ना, मेरे बच्चों का कि आप कुछ भी बना के दे दो लेकिन उनकी पूरी सब्जी उनकी फेवरेट है। मतलब पूरी होने से वो बाकी सब चीज़ भूल जाएंगे, अगर आप तीनों टाइम उन्हें पूरी बना के दोगे तो बहुत चाव से खाते हैं, उनकी पूरी फेवरेट है। तो बचपन में क्या होता था, जब वो बच्चे थे और हम जब उन्हें लेके रेस्टोरेंट जाते थे तो जो छोला भटूरा होता है वो भी उनको पूरी सब्जी ही लगता था। मतलब छोला मतलब सब्जी, भटूरा मतलब पूरी, क्योंकि वो भी तेल में तला हुआ है, पूरी थोड़ी छोटी छोटी रहती है, वो थोड़ी बड़ी बड़ी थी लेकिन वो पूरी ही थी। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो छोला भटूरा को पूरी सब्जी बोलते थे। तो फिर बाद में जैसे जैसे बड़े होते हो गए तो फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये छोला भटूरा है और ये पूरी सब्जी ये है। तो बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल जाने का, तो प्रीत निकल गया था स्कूल, उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। तो चाय वही हमने पिया और उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन सिंक में बहुत पड़े हुए थे और सिंक में अगर बर्तन रहते हैं तो किचन आपका बहुत गंदा लगता है। किचन आपने भले ही कितना भी चमका के रखा हो लेकिन अगर सिंक में पड़े हुए बर्तन हैं तो फिर वो किचन बहुत गंदा, बहुत मेसी लगता है। तो सिंक में अगर एक आध भी बर्तन रहते हैं मैं फटाक से धो के उसे ख़त्म कर देती हूँ। तो ये तो मॉर्निंग वाले थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने उसे साफ़ सुथरा कर लिया। और क्या है ना, अभी पानी छूने में बहुत सोचना पड़ता है, तो अगर बहुत सारे बर्तन एक साथ हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर एक आध दो बर्तन होते जा रहे हैं तो उसी समय उसे धो के निकालते जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद हाथ एकदम सुन्न हो गया था, इतनी ज़्यादा पानी ठंडी हो रखी है। तो चलिए अब चलते हैं काम में लगने, घर के कामों में। मतलब झाड़ू पोछा तो अभी बाकी है, भले हमने थोड़ी सी साफ़ सफाई बीच में जब टाइम मिला था तो वो हमने कर लिया था, लेकिन अभी घर में जो मेन है झाड़ू पोछा वो तो बाकी है, तो वो फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये अगर हो जाए ना तो आपके काम आधे होने हैं। खासकर झाड़ू लगाना, क्योंकि कोनों कोनों में आपको झाड़ू लगाना होता है। तो झाड़ू अगर आपके अच्छे से लग गए ना तो आपका आधा घर तो ऐसे ही साफ़, पोछा उसके बाद पोछा भी तुरंत हो जाता है क्योंकि झाड़ू लगाने में जो मेहनत लगती लगती है। तो घर अगर साफ़ सुथरा है तो पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता है। तो झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि रात में नहीं एक्चुअली कल शाम में ही मैंने इधर कपड़े डाले थे तो वो सूख गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना इधर धूप बहुत अच्छी आती है। तो रात भर मैंने छोड़ दिए थे बालकनी में, और सुबह सुबह जब धूप आई ना तो सारे कपड़े एक बार बहुत अच्छे से सूख गए एकदम। तो इन्हें मैं उठा लेती हूँ क्योंकि बालकनी में कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे वो आपके आगे की बालकनी हो, पीछे की बालकनी हो, कहीं भी, तो कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ ठीक है, सुखाने के लिए हम डाल देते हैं, लेकिन अगर वो सूख गए हैं तो उसी समय उसे वहाँ से हटा दीजिए ताकि बालकनी आपकी साफ़ सुथरी और क्लीन दिखे, क्योंकि कपड़े से भी बालकनी गंदी दिखती है। मुझे कई बार कॉमेंट भी आया कि आप कपड़े सुखाने वाले ले लीजिए, लेकिन मैं ले नहीं पाई हूँ, ये मेरी ही बैड लक है। मैंने कई बार सोचा कि जाके ले आऊँ, क्या उसे शायद क्लोथ हैंगर बोलते हैं ना ऐसा कुछ, मुझे एक्चुअली नाम भी अच्छे से नहीं पता, क्योंकि देखिए जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में पता रहता है, या जो चीज़ यूज करने वाले हो दिमाग में है कि हाँ ये चीज़ लेना है तो उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज रहता है, बट जिस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं हो, क्योंकि मैंने सही में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ, क्योंकि देखिए शुरू से आदत है तार टांग के वो जो रस्सी बांध के कपड़े सुखाते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि जब शादी से पहले भी हम रहते थे फोर्थ फ्लोर में, तो ऊपर छत थी तो छत में हमने रस्सी टांग दिया था, वहाँ हम कपड़ा सुखाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ भी जब आई तो उसके बाद बालकनी उल्कनी जो भी था तो रस्सी उसी लगा के ही, या फिर रेलिंग लगा तो उसमें, तो कभी वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि हाँ ऐसे कुछ भी है जिसमें हम कपड़े डाल के सुखा सकते हैं। और फिर क्या था ना, अगर कभी दिमाग में आया ना तो कभी सोचते थे कि एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँ, कपड़े तो सूख ही जा रहे हैं, बट नहीं, ख़राब लगते हैं सही में कपड़े अगर पड़े हुए हैं, और खासकर अगर अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आए हो और बालकनी में पूरे कपड़े ही कपड़े, तो अच्छे नहीं लगते हो हैं लगते हैं। तो अगर वो हैंगर टाइप का कुछ है तो उसमें अगर आप सुखा दो तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, देखते हैं कब लाती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप बाइक में जाओगे तो वो आएगा नहीं, गाड़ी उड़ी लेके ही जाना होगा तो ही आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज का होता है ना आई थिंक, तो इसीलिए देखते हैं बहुत जल्द लाऊंगी, बट मुझे भी सही में अब लग रहा है कि ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी किचन, तो मैंने बाल कुछ नहीं झाड़ा है क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और मुझे भूख भी काफ़ी लग रही थी, और इन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था तो ये भी आने वाले थे, तो मैंने फटाक से नाश्ता बनाने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ प्रीति और युग के लिए ही बनाया था। तो अभी चलिए फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पूरी थोड़ा सा मेरे लिए तल रही हूँ, और इधर मैं चावल रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रात में चावल रोटी मैंने बनाया तो थोड़ा बहुत गुड़ी बच गया था, तो वही मैं इनके लिए बना दे रही हूँ, क्योंकि इन्हें चावल रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, आटा रोटी ये बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन हम सब खाते हैं तो ये खा लेते हैं कि एक्स्ट्रा कितना बनाओगी, लेकिन अगर चावल वाल गुड़ी है बची हुई है तो ये उसी को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए इनके लिए मैं रोटी बना दे रही हूँ, और मैं अपने लिए यहाँ थोड़ी सी पूरियाँ तल रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों का नाश्ता दोनों तरफ बन रहा है, तो रोटी भी इनकी बन चुकी है, मेरी पूरियाँ भी बन चुकी है, तो चलिए सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, इनके आने में लेट है। एक्चुअली मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मतलब हड़बड़ा रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि जब आपको बाहर निकलना रहता है ना
तो लगता है घर के काम हम जल्दी ख़त्म करके निकलूँ, क्योंकि मैं खाना वाना बना के सब जा रही हूँ, क्योंकि आने में हो सके शायद लेट हो जाए, इसलिए मैं अपना काम ख़त्म करके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है पार्लर, और पार्लर जाने से तो आपको पता है लेट होता ही है। तो वैसे कुछ ज़्यादा कराने जाना नहीं है, बस आईब्रो उब्रो थोड़ा मैं बनाऊँगी, और थोड़ा बहुत अगर क्लीन अप हुआ तो उसके लिए जाना है। तो इसीलिए मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके जा रही हूँ, क्योंकि फिर पार्लर आने के बाद ना फिर खाना पीना में लगो मन नहीं करता है, और क्या पता कि लेट उठ हो जाए, बच्चे आ जाएँ, तो फिर आप खाना कब बनाओगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगी। और बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो काफ़ी थके हारे आते हैं, और फिर उन्हें वेट कराओ, खाना बनाओ, फिर उन्हें ट्यूशन भी निकलना है। तो इसलिए सारा काम अपना प्रॉपर ख़त्म करके जा रही हूँ, कि जल्दी आऊँ या लेट से आऊँ, बट अपना किचन वाला काम ख़त्म कर लूँ। तो वही मैं रेडी हो गई थी, और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर हाथ की हालत ख़राब हो रखी है, और ख़ासकर तो हाथ की, क्योंकि बार बार पानी छूना पड़ता है ना, वो भी मतलब ठंडा पानी। तो आप कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाओ, हाथ की हालत बहुत ख़राब, बहुत गंदी हो रखी रहती है। तो मैंने जल्दी जल्दी मॉइस्चराइज़र लगाया, और उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो मैं मार्केट का ज़्यादा ले नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बहुत काम नहीं है, बस पार्लर जाना है और जल्दी जल्दी आना है। बस ये रास्ते के किनारे देखिए छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई थी, थोड़े बहुत कारपेट लगे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि अभी ठंड के दिनों में ऐसे रोड किनारे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छे रेट में भी मिलती है। मतलब यही चीज़ अगर आप शॉप में जाके लोगे तो बहुत प्राइस लेते हैं, बट रोड किनारे बहुत अच्छा, मतलब बार्गेनिंग करने में बहुत अच्छी दाम में आपको मिल जाती है। तो मुझे अगर कुछ पसंद आता है तो मैं सही में रुक के मैं ले लेती हूँ, क्योंकि सही में वो चीज़ का दाम शॉप में बहुत ज़्यादा रहता है। तो फटाफट आईब्रो उब्रो बना के मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे आना था घर, और घर आने के बाद जो मैं काम छोड़ के गई थी वो भी काम करने थे, क्योंकि आप घर से निकलने से पहले आपके काम, घर में आने के बाद भी काम, मतलब कामों की कमी नहीं है आपके पास। ऐसे बोलोगे तो सबसे ज़्यादा बिजी हाउसवाइफ ही रहती है, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिलती है इस चीज़ की, इतना ज़्यादा हम काम करते हैं उसके बावजूद भी। तो काम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन टाइम हमारे पास कम हो जाता है उन कामों को करने के लिए। तो वापस आने के बाद मैं सबसे पहले लगी थी कपड़े वपड़े सुखाने में, क्योंकि धूप अच्छी खासी है, नहीं तो 4 बजने के बाद ये धूप जाने लगती है, 4 बजे से ही जाने लगती है आप बोलो तो, उसके बाद कपड़े सूखने से तो रहे। तो कपड़े वपड़े मैंने डाल दिए हैं, बाद वापस मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि थोड़ा सा आपको बेड मैसी लग रहा होगा, सामान थोड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इसे क्लीन करते हैं। और मैं बाहर गई थी तो थोड़ा सा जो मेरा लिक्विड वॉश था किचन में बर्तन धोने वाला, वो ख़त्म हो गया था, तो वो मैं उठा के ले आई थी। तो जाती हूँ मैं अपने काम से, अपने पर्सनल काम से, चाहे पार्लर जाना हो या कुछ और अदर, लेकिन घर से रिलेटेड बातें याद रहती है दिमाग में। आप बाहर भी जाओ ना, घर में क्या सामान घटा है, क्या बढ़ा है, क्या ज़रूरत है, वो सब चीज़ आपके दिमाग में चलते रहता है। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम जाती हो भले अपने काम से, लेकिन आते समय कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में रहता है घर से रिलेटेड चीज़ें। तो क्या करूं, अब आदत सी हो गई है कि अपने से पहले अपने घर के बारे सोचने की, क्या चीज़ घटा बढ़ा है क्या नहीं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो सोचते हैं बाहर तो आई ही है, तो चलो साथ में ये सामान भी लेते हैं, घर में ज़रूरत तो है ही इसकी, तो वही चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।